हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, साथ ही में ऑल नोटिफिकेशंस को एनेबल कीजिए। आपको किसी चीज का क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है तो कृपया ये वीडियो ना देखें। वी मेक आर वीडियोस अंडर, हम लोग हमारे वीडियोस इस नियम के हिसाब से बनाते हैं। हेलो दोस्तों, योर सिली मिस्टेक्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप? तो दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस हो कहते हुए कि हम लोग जितने भी वीडियोस बनाते हैं मूवी मिस्टेक्स के ऊपर, वो सारे तो हम लोग बनाते हैं यूट्यूब रूल्स एंड टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से। जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है फेयर यूज पॉलिसी, हम उसी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन क्या करें, जो रिस्पेक्टेड बड़े लोग हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें पसंद नहीं कि कोई एक आम आदमी उनकी गलतियाँ पब्लिक के साथ शेयर करे। इसलिए दोस्तों, इस बार भी एक बड़े फिल्म कंपनी ने हमारे एक वीडियो को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर मैं आपको गलतियां दिखा रहा हूं तो आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ना ही हम हमारे वीडियोस पे किसी को माँ बहन की गाली देते हैं, और ना ही हमने आज तक किसी भी वीडियो पे ये कहा है कि इस बंदे को काम नहीं आता या इस आदमी के पास कोई स्किल नहीं है। हम लोग बस सिली मिस्टेक्स देख रहे हैं कि इस मूवी के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स है। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्या करें, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, खास करके फिल्म मेकर्स को। और हम लोग तो कोई लेटेस्ट मूवी के ऊपर तो वीडियो नहीं बना रहे जो अभी थिएटर में चल रहा है। हम लोग उसी मूवीज़ की मिस्टेक्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं जिस मूवी को थिएटर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो, जो थिएटर में अच्छा चला हो, या मूवी रिलीज होने के 4 से 6 या चलिए 1 साल बाद ही वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये वापस से हम लोग रीअपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे सिली मिस्टेक्स इन धूम 3। जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा नहीं, ये खास करके उन लोगों के लिए रीअपलोडेड वीडियो है। हेलो दोस्तों, योर सिली मिस्टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिली मिस्टेक्स धूम 3 मूवी में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वाले सीन में देखिए, जब आमिर खान यहाँ से जंप करते हैं इस बैंक से, ठीक है, जब इस बैंक को लूट के आते हैं, तो उनके कमर के यहाँ पे देखिए एक रस्सी दिख रहा है, ठीक है। ये रस्सी को आप गौर से देखिए, ये अभी कौन से एंगल में है और बॉडी के किस पार्ट से है जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ये सीन आगे कंटिन्यू होता है, तो ये जो रस्सी कमर के यहाँ पे था, अभी ये पीठ के पीछे आ जाता है। पता नहीं अब ये कैसे हुआ, पर हो तो गया है। और जैसे ये सीन और आगे जाता है, तो देखिए क्या होगा, वो जो रस्सी अभी पीठ के पीछे की तरफ से निकल रहा था, अचानक ये रस्सी अभी कमर के यहाँ से बंधा हुआ है। मतलब एक ही सीन में इतने सारे वेरिएशंस, पता नहीं कैसे हो जाता है। देखिए, पहले कुछ ऐसा था और अभी हो गया है कुछ ऐसा। अभी देखिए दोस्तों, इस वाले सीन में ये लग रहा है कि गर्दन के पीछे से ये निकल रहा है रस्सी, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी चेंज हो जा रहा है। चलिए अभी देखिए दोस्तों, जब बाइक अगर कोई यहाँ पे इस तरह से अगर स्लिप हो जाती है, स्केट हो जाती है, तो उसके पास स्क्रैचेस आने चाहिए, डेंट पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ये सीन आगे जाता है, तो देखिए बाइक के ऊपर वहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी डेंट नहीं है, घसने का जो छिलने का निशान कुछ भी नहीं आ रहा है वहाँ पे। मतलब ये रफ एंड टफ बाइक है, मुझे लग रहा है। इस वाले सीन को देखिए दोस्तों, आपने आज तक कभी भी किसी बाइक का टायर ऐसा देखा है? ये ऐसा लग रहा है कि कोई रेलवे बोगी का इंजन का जो होता है ना, उनका जो व्हील होता है, वैसा लग रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा लग रहा है कि ये CGI बाइक है, क्योंकि बाइक के जो टायर से बहुत पतले पतले हो गए। ये लग रहा है नहीं कि वो बाइक है। अगर VFX कर रहे हो तो लगना तो नहीं चाहिए ना। ये देखिए, ओरिजिनल बाइक का हेल्थ जो है कुछ ऐसा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये आपको ऐसा रिक्शा, आज तक ऑटो रिक्शा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि जिसने दीवार तोड़ के उसके रिक्शा के आगे की तरफ कोई भी डेंट नहीं है, ना ही रिक्शा के कांच टूटी हुई है। मतलब वाह। अभी देखिए दोस्तों, इस वाले सीन में यहाँ पे अभिषेक बच्चन पैर मारते हैं बाहर, लेकिन ये डंडा या कुछ भी हो, ये पहले ही हिल जाता है। देखिए स्लो फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस डंडे का मूवमेंट कैसा है, ठीक है। चलिए, हो सकता है स्क्रिप्ट में है और धूम मूवी है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाइक का जो यहाँ का जो फाइबर का बॉडी है, वो देखिए फाइबर बॉडी का डिजाइन। लेकिन जैसे ये सीन आगे कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे बाइक का बॉडी अपने आप चेंज हो जाता है। अब पता नहीं है कैसे हुआ, लेकिन हो तो गया है। पहले कुछ ऐसा था और अभी कुछ हो गया है ऐसा। मतलब एक ही सीन में इतने बार चेंज हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ आता पता नहीं है। अभिषेक बच्चन इतना दूर उड़ के आ जाते हैं, जबकि उदय चोपड़ा पीछे है, ठीक है। चलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं, मूवी है। देखिए यहाँ पे जो ठेला है, जो हाथ गाड़ी बोलते हैं, ठेला बोलते हैं, उसका पोजीशन देखिए कैसा था।
अभी ये जो बंदा है, जब ये विलन दीवार से टकराता है तो उसको मुंह के बल ही गिरना चाहिए था उस ठेले पे या हाथ गाड़ी पे, लेकिन वो यहाँ पे आके गिरता है, मुंह उसका रहता है स्काई की तरफ, आकाश की तरफ। मतलब वाह, देखिए वो गाड़ी पहले कहाँ था, वो ठेला पहले कहाँ था, हाथ गाड़ी कहाँ था, और ये आदमी जाके यहाँ पे गिरता है और ग्रेविटी का कुछ आता पता नहीं है, वापस अभिषेक बच्चन आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी देखिए तो इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ से ये अंकल चल रहे हैं, ठीक है, ये इंसान चल रहा है, लेकिन जैसे ये सीन आगे कंटिन्यू होता है तो वही इंसान वापस हमें दिखते हैं कुछ यहाँ पे। मतलब शायद ये एक्स्ट्रास में थे, बस वॉकी कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे स्क्रिप्ट में। अभी देखिए दोस्तों, आमिर खान जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ऊपर तो यहाँ पे कोई भी क्रेन नहीं है, पुलिस वालों को भी यहाँ पे क्या कोई क्रेन दिखा नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आमिर खान उस क्रेन के ऊपर चले जाते हैं वायर से, रस्सी से। तो ये क्रेन पहले कहाँ था, पहले वाले सीन में तो हमें ये क्रेन दिखा नहीं, ठीक है। वो नीचे आ जाते हैं, कोई बंदा सबवे के अंदर इतने देर तक एक बाइक को अगर रखेगा तो ये तो फॉरेन में हो रहा है, तो वहाँ पे तो कंप्लेंट हो जाता है कि इसका बाइक है यहाँ पे, किसी ने बोला नहीं। यहाँ पे देखिए इस वाले सीन में वापस आपको वही अंकल दिखेंगे, वही इंसान दिखेंगे जो हमें यहाँ पे दिखे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस वाले मोमेंट में देखिए ये जो कार है अभी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर है, लेकिन जैसे फ्रेम आगे जाता है तो कार अचानक से दूर चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गेट है, ठीक है, दो गेट है, एक गेट खुला हुआ है बाहर की तरफ, लेकिन जैसे ये सीन आगे कंटिन्यू होता है तो पीछे वो जो गेट था अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। अभी ये सब कैसे हो रहा है, या वो गेट CGI था पता नहीं। अभी देखिए दोस्तों ये लोग, ये ठीक है ये तो चोरी करके जा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो पुलिस में है, लेकिन इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना है और रस्ते के ऊपर चेस कर रहे हैं बाइक में। मुझे नहीं लगता कि फॉरेन में ऐसा अलाउड है बिना हेलमेट के जाना, और सीनियर ऑफिसर भी बिना हेलमेट का उनका पीछा कर रहा है आमिर खान का। मतलब क्या है, जिसने चोरी की वो हेलमेट पहन के जा रहा है और पुलिस वाले ने यहाँ पे हेलमेट नहीं पहना है। वाह रे वाह। ओके, अभी जब देखिए दोस्तों यहाँ पे बाइक जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है जेट स्कीइंग में, तो उसके नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे लग रहा है कि हवा भरा हुआ है, कुछ सॉफ्ट जैसा है, ठीक है, रबरिश लग रहा है, रबर वाला टेक्सचर लग रहा है, लेकिन जैसे ये पानी में गिर जाता है तो अचानक एकदम सॉलिड कार्बन फाइबर जैसा उसका बॉडी हो जाता है, हार्ड सरफेस हो जाता है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो ये लोग देखते नहीं है और मूवी बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब अली यानी कि उदय चोपड़ा यहाँ पे बाइक लेके आते हैं तो वो बाइक रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी बाइक के सामने ये बंदा खड़ा है इस वाले फ्रेम में, लेकिन अगले फ्रेम में देखिए क्या होगा, अली की तरफ से जब फ्रेम दिखाते हैं तो वो बंदा बाइक के सामने है ही नहीं वहाँ पे, जबकि पहले हमने उसको देखा था, और जैसे ये फ्रेम आगे जाता है तो ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा था पहले, ये चला जाता है पीछे की तरफ, लेकिन पहले वाले सीन में ये बंदा खड़ा था आगे की तरफ। मतलब इतना सारा देखिए वेरिएशन हो रहा है, प्रोफेशनल लोग मूवीज बना रहे हैं उसमें भी इतनी सारी गलतियां। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैमरा अंदर की तरफ है और उसका लेंस का भी मुंह अंदर है, लेकिन ये वाले सीन में कैमरा का लेंस का जो मुंह है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जो फोकस है वो बाहर की तरफ जा रहा है। चलिए ये देखिए रेफरेंस के लिए हमने आपको दिखा दिया है, पहले कुछ कैमरा इस तरफ था और अभी कुछ इस तरफ है। ओके, कैमरा तो पहले अंदर था, लेकिन ये वाले सीन में देखिए कैमरा अभी बाहर आ जाता है। अब मतलब कैमरे का जो जगह रखा था वो भी अपने आप चेंज हो जा रहा है सीन के हिसाब से, मुझे लग रहा है। कंटिन्यूटी मिस्टेक्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। ओके, पानी में अगर ये जेट स्कीइंग चल रहा है ठीक है, चलिए पानी में चला भी गया मान भी लेता है, लेकिन दोस्त यार वो तो बाइक है, उसको तो इंजेक्शन होना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि बाइक के अंदर अगर पानी चला जाता है क्या उस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तो बाइक बिंदास चल रहा है रस्ते के ऊपर। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे अभिषेक बच्चन का हाथ देखिए कहाँ पे है, ठीक है, और अगले फ्रेम में हम देख सकते हैं कि उनका हाथ रस्सी के अंदर से जा रहा है, लेकिन पहले वाले फ्रेम में हाथ रस्सी के बाहर से था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ओके, इस वाले सीन को देखिए दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब ये ऑफिसर बैठा है तो यहाँ पे उसके सामने एक बॉटल है और उसके पास में ही एक ग्लास भी है, लेकिन कैमरा एंगल जब चेंज होता है तो यहाँ पे सिर्फ बॉटल है और वो ग्लास यहाँ पे नहीं है। पता नहीं अब ये कैसे हुआ, लेकिन हो तो गया है। ओके, वापस से देखिए यहाँ पे बॉटल और वो ग्लास आ जाता है। मतलब एक ही सीन में इतने सारे वेरिएशंस, वाह। और अगले सीन में देखिए क्या होगा, वापस वहां से वो ग्लास गायब हो जाता है। मतलब ये एडिटिंग में कट पेस्ट करके बस जोड़ दिया है बस। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लोग आते हैं कि ये लोग ये केस छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके साथ उनका लगेज होता है, सूटकेस होता है, बैग होता है, कुछ भी है, उनका लगेज तो है लेकिन उनके साथ, ठीक है, लेकिन ये लोग डिस्कस करते हैं और जब रिटर्न जाते हैं तो वो बैग लेके भी नहीं जा रहे यार, क्या मतलब क्या है, स्टेशन से ऐसे ही निकल जा रहे हैं, अपना लगेज तो लेके जाओ यार जो लेके आए थे। वाह, चलिए आगे देखिए और क्या क्या है यहाँ पे। ओके, इस वाले सीन में देखिए दोस्तों, आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो कि ये किचन दिखा रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे दो वाइन का बॉटल है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सीन आगे कंटिन्यू होता है तो देखिए क्या होगा, अचानक वो वाइन के बॉटल के आगे एक कुछ स्टील का थर्मस वगैरह या कुछ तो है, लेकिन तीन चीज है वहां पे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। ओके, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ये कार उड़ रही है तो कार का एंगल देखिए सीधा जा रहा है और यहाँ पे कार की ऊपर लाइट चल रही है, ठीक है, जो पुलिस की गाड़ी की लाइट होती है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सीन आगे कंटिन्यू होता है तो देखिए क्या होगा, वो कार के पीछे वहाँ पे जो लाइट चल रही थी वो बंद हो गया, इस कार का डायरेक्शन अचानक चेंज हो जाता है पूरा, जबकि कार पहले ऐसा उड़ रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोग आ जाते हैं, अब ये पहले तो नहीं थे, पता नहीं अभी कहाँ से आ गए, ये तो क्लियर लग रहा है यार, ये VFX शॉट है, इसमें कोई रियलिटी लग रहा ही नहीं है। ओके, इस वाले सीन में देखिए दोस्तों, आमिर खान जब यहाँ पे जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके जैकेट के सारे बटन लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही फ्रेम थोड़ा आगे जाता है तो उनके जैकेट का बटन यहाँ पे खुल जाता है। इसमें दोस्तों ग्रीन स्क्रीन क्रोमा में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, मैं आपको टेक्निकली उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओके, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, अज्यूम कीजिए, ब्लू कलर के आमिर खान ने ग्रे कलर के आमिर खान को राइट हैंड से पकड़ा है, दोनों ने एक दूसरे को राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पीछे आपको कुछ एक टर्न, एक एलिवेशन दिख रहा है जो डैम के ऊपर है, ठीक है, थोड़ा कर्व है वहां पे, लेकिन ये वाले सीन में देखिए क्या होगा, ब्लू कलर आमिर खान ने राइट हैंड से ग्रे कलर के आमिर खान के राइट हैंड को पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे हैंड जो हाथ पकड़ा है वो भी अपने आप चेंज हो जाता है, मतलब हवे में उन्होंने इतने जल्दी हाथ भी चेंज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बोला था कि वहां पे टर्न एलिवेशन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ये वाला कर्व है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद ना आए हो तो आपको पता है अब क्या करना है। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा और भी समय है तो आप अपने इस भाई के चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं।